नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। इन दिनों सलमान खान अपनी जल्द रिलीज होने वाली रेस 3 के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म 15 जून को ईद पर रिलीज होगी। रेस 3 के बाद सलमान खान और भी ज्यादा बिजी होने वाले हैं। सलमान के खाते में कई और फिल्में भी हैं, जिसमें भारत, शेर खान, किक पार्ट 2, दबंग पार्ट 3 और इसके अलावा सलमान एक डांस फिल्म रेमो डिसूजा के साथ करने वाले हैं। लेकिन इस बीच सलमान खान की फिल्म को लेकर एक और चर्चा है, और वो ये है कि सलमान खान अपने फेवरेट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ काम कर सकते हैं। जी हाँ, ये जोड़ी 10 साल बाद आपको फिर साथ साथ दिख सकती है। हाल ही में सलमान खान ने इस बात का इशारा भी किया। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए सलमान खान ने संजय लीला भंसाली का जिक्र किया। वहीं भंसाली भी पिछले साल अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए इस बात का इशारा कर चुके हैं। अगर सलमान और संजय लीला भंसाली साथ साथ काम करते हैं तो 10 साल बाद पर्दे पर इन दोनों की जोड़ी की वापसी होगी। आपको बता दें कि इससे पहले ये जोड़ी हम दिल दे चुके सनम और खामोशी जैसी बेहतरीन फिल्मों में साथ साथ काम कर चुकी है। कहा जाता है कि सलमान और भंसाली के बीच फिल्म देवदास में उनकी बजाय शाहरुख को कास्ट करने को लेकर दूरियां बढ़ती चली गई। वहीं ऐसी अटकलें लगाई गई कि इस साल ब्लॉकबस्टर फिल्म पद्मावत में भी वो लीड रोल करने वाले थे, मगर बात नहीं बन पाई तो भंसाली दीपिका, रणवीर और शाहिद के साथ आगे बढ़ गए। खैर, अटकलें इस बात की है कि अब संजय लीला भंसाली की फिल्म में सलमान खान दिखेंगे। खैर, ये होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।